नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ भोजपुरी टॉप फाइव में। मैं आपके लिए रोज लेकर के आती हूँ भोजपुरी टॉप फाइव में वो तमाम ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री की खबरें जो कि आपके सुपरस्टार के फिल्मों के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई होती है और उनकी फिल्मों की शूटिंग कहाँ चल रही है, वो सोशल मीडिया पर उनकी क्या एक्टिविटी है, ये सारी खबरें हम आपके लिए टॉप फाइव में लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज भोजपुरी टॉप फाइव में। सबसे पहले बात करने वाले भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव के बारे में। भाई खेसारी लाल का होली का गाना, हर सप्ताह कोई नया गाना वो रिलीज करते ही जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार भी खेसारी लाल का नया गाना रिलीज हो चुका है और इनका गाना जितना बैक टू बैक आ रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि इस बार होली के दिन खेसारी लाल के नाम होने वाला है, यानी कि चारों तरफ देखा जाए तो खेसारी लाल का होली का गाना ही गूंजने वाला है। इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी खबर है वो भी खेसारी लाल की फिल्म डमरू से जुड़ी हुई है। जी हाँ, खेसारी लाल की फिल्म डमरू का एक और पोस्टर रिलीज़ किया गया है जिसमें खेसारी लाल रोमांटिक अंदाज के साथ साथ एक इमोशनली इसमें सीन उनको दिखाया गया है और इसमें अवधेश मिश्रा को भी इस पोस्टर में बहुत ही बाखूबी के साथ दिखाया गया है। वैसे अभी तक डमरू के जितने भी पोस्टर आए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि खेसारी लाल की ये फिल्म बहुत ही हटकर होने वाला है, इस फिल्म की कहानी बहुत ही हटके होने होगी। ये खेसारी लाल का दूसरा पोस्टर रिलीज़ हुआ है। इसके बाद हमारी जो तीसरी खबर है वो भोजपुरी की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे को लेकर के है। जी हाँ, आम्रपाली दुबे का दूसरा आज लंदन सोशल मीडिया पे उन्होंने एक अपना फोटो टैग किया है जिसमें वो काफ़ी हॉट लुक में दिखाई दे रही हैं। आम्रपाली लंदन गई थी अपने फिल्म निरहुआ चला लंदन की शूटिंग के लिए, लेकिन शूटिंग के साथ साथ उन्होंने निरहुआ के साथ मिल करके काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती भी की है। उनकी कुछ फ़ोटो हमारे हाथ लगी है जो कि आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसके साथ ही साथ हमारी जो चौथी खबर होगी वो भी खेसारी लाल के नाम से है। जी हाँ, होली के साथ साथ उन्होंने 26 जनवरी के लिए भी अपने जो उनके 26 जनवरी के खास दिन के लिए अपने दर्शकों के लिए एक नया गाना लेकर के आए हैं जो कि एक देशभक्ति गाना है। क्या है वो गाना, कौन सा क्या है उस गाने की लाइन, कैसा है वो गाना सुनने में, ये सारी चीजें आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसके साथ ही साथ हमारी जो पांचवी खबर होगी वो भी खेसारी लाल के यादव के को लेकर के है। जी हाँ, खेसारी लाल की जो फिल्म डमरू है वो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक जो फिल्में बनी हैं उन फिल्मों से हटकर है। इस फिल्म में देखा गया है खेसारी लाल को रोमांटिक, एक्शन, ये सारे अंदाज के साथ साथ यहाँ पे भगवान शिव का भी एक अलग ही अवतार देखने को मिला है, जिस शिव के अवतार में शिव के रूप में जो भूमिका निभाएंगे वो है अवधेश मिश्रा। यानी ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जो विलेन नंबर वन कहे जाते थे उनका इस बार शिव रूप शिव अवतार कैसा रहेगा। तो देखिए अभी ये भोजपुरी की टॉप फाइव खबरें विस्तार से हमारे इस रिपोर्ट में। साल 2018 में सबसे पहले तीनों सुपरस्टार में से पहले होली के गाना लेके आए रहनी उ खेसारी लाल यादव रहनी। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के अब तक होली के 7 से 8 एल्बम लेकर आ चुकल बानी। एक साथ ही रउआ लोगन के बता दी कि खेसारी लाल यादव के कल फिर एको नया गाना रिलीज कर देवल गई बा। जी हाँ, जे गाना के बोलहा लगा के रंग चल जाए। ए गाना के कल यानी कि 23 जनवरी के आदि शक्ति एंटरटेनमेंट पर रिलीज कर देवल गई। एक खबर आ रहा बा कि खेसारी लाल के होली तक और अपन दर्शक लोगन खातिर वो और भी होली के गाना लेकर के आए। जी हाँ, और अब तक खेसारी लाल के जितना गाना रिलीज भइल बा उस सब गाना के दर्शक लोगन काफी ज्यादा तारीफ कर रहल बानी और काफी अच्छा वो गाना के रिस्पांस भी मिल रहल बा। जी हाँ, सोशल मीडिया पे खेसारी के सारा गाना के खूब पसंद कैल जा रहल बा। वैसे जे तरह से खेसारी लाल अपन हर सप्ताह कोनो न कोनो होली के नया गाना लेके आ रहल बाड़े, ऐसे तो यही लगता कि ए साल होली के दिन सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल के गाना ही पूरा बिहार यूपी पूर्वांचल में सुनाई दी।
बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर खेसारी लाल यादव की आने वाली बहुचर्चित फिल्म दमू का दूसरा पोस्टर जारी कर दिया गया है। जी हां, फिल्म के पोस्टर को जारी करते हुए निर्देशक रजनीश मिश्रा ने सभी भोजप्रिय दर्शकों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं भी दी हैं। इस लुक के लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर इसे शेयर करने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पोस्टर में खेसारी लाल यादव के साथ याशिका कपूर दिखाई दे रही हैं। पोस्टर के माध्यम में खेसारी अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़े हुए उस पर अपना सिर रखे हुए हैं। जी हाँ, वहीं पोस्टर के बैकग्राउंड में बड़े से पहाड़ पर भोलेनाथ की बड़ी पर प्रतिभा दिखाई दे रही है। साथ ही इस पोस्टर में अवधेश मिश्रा भी हैं, जो अपने एक हाथ में डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म के जरिए याशिका कपूर भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। पहले पोस्टर में जहां खेसारी लाल यादव को त्रिशूल के साथ आधुनिक तरीके से दर्शाया गया था, वहीं इस पोस्टर में वो लव बॉय की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म मिथिला के अन्याय से भक्त विद्वान विद्यापति और उसके द्वारा शिवलिंग को धरती पर लाने की कहानी से प्रेरित है। बाबा मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म डमरू में खेसारी लाल यादव, याशिका कपूर, अवधेश मिश्रा, देव सिंह, किरण यादव और मट्टू जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। भोजपुरी की सबसे हॉट और लकी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के आज इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कहनी है। जे फोटो में आम्रपाली के लंदन के हा। जी हाँ, आज आम्रपाली जे फोटो सोशल मीडिया पे शेयर कहले पड़ी। फोटो दरअसल में उस समय के हा, जिस समय पर आम्रपाली और निरहुआ की फिल्म निरहुआ चला लंदन के शूटिंग खातिर लंदन गए रही। उस समय पर आम्रपाली निरहुआ अपन फिल्म के शूटिंग करत के साथ ही आम्रपाली उस समय पर लंदन में काफी ज्यादा मौज मस्ती भी कर रही। जी हाँ, जिस समय पर कुछ फोटो आज सोशल मीडिया पे आम्रपाली शेयर कर लिया। एक ही साथ ही आम्रपाली अपन नया नया फोटो सोशल मीडिया पे आजकल कुछ ज्यादा ही शेयर कर रहे बाड़ी। और एक खैर, अगर अब बात करिए इस समय पर आम्रपाली के फिल्म के लेकर के, तो आम्रपाली के इस समय पर सिर्फ एक ही फिल्म के चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा बा, जे फिल्म के नाम है निरहुआ चला लंदन। जे फिल्म के लेकर के कहल जा रहा बा कि ये फिल्म होली के मौका पर रिलीज कर देवल जाए। 26 जनवरी देश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व के तौर पर पूरा देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनावल जाला और हर देशवासी के दिल में ये दिन लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित रहनी। ठीक वही तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ये दिन खातिर अपन देश के खातिर अलग अलग प्यार जतावे के तरीका आल बा। जी हाँ, ठीक वही तरह से आज खेसारी लाल यादव के नया गाना रिलीज कर देवल गईल बा। जी हाँ, खेसारी लाल के आज सोशल मीडिया पे एक देशभक्ति गाना आइल बा। जे गाना के बोल बा पाकिस्तान अभी बच्चा बा। जी हाँ, खेसारी लाल के साल 2017 में एगो गाना के काफी ज्यादा चर्चा मिल रहे, जे गाना के नाम रहल मरद अभी बच्चा बा। और ठीक वही लाइन के साथ ही खेसारी लाल पड़ोसी देश के लिए लोगन खातिर ये गाना गवले बानी। और ये गाना के सबसे खास बात यह है कि गाना में खेसारी लाल के साथ साथ निरहुआ, पवन और कल्लू के डायलॉग भी देवल गई बा। और खेसारी के उम्मीद है कि उनका ये गाना दर्शक लोगों के काफी ज्यादा पसंद आई। एक के साथ ही आज खेसारी लाल के नया होली गाना भी रिलीज हो गई बा, जे गाना के बोल है रंग लगा के चल जाए। भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव इस साल बैक टू बैक काफी सारा फिल्म आप लेकर आ रहा बनी, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा के विषय वाला जो उनका फिल्म है, वो फिल्म के नाम है डमरू। जी हाँ, आजकल खेसारी की फिल्म डमरू के चर्चा सबसे ज्यादा होके के पीछे के सबसे पहला जो वजह है, ये फिल्म में खेसारी लाल के साथ कोनो नया हीरोइन याशिका कपूर बाड़ी। वही खेसारी लाल के आज ही फिल्म के एगो और पोस्टर रिलीज भइल बा, जे पोस्टर में खेसारी लाल एगो नया अवतार में देखे के मिल रहा बानी। जी हाँ, वैसे रोगन के बता दी कि जे तरह से अभी तक ये फिल्म के अब तक पोस्टर सामने आयल बा, पोस्टर में देखल जाए तो ये फिल्म में खेसारी लाल और भगवान शिव के कहानी है। एक ही साथ ये फिल्म में भी बतावल जाए कि शिव भक्त विद्यावान विद्यापति और उनका द्वारा शिव के धरती पर लावे के कहानी से प्रेरित बा ये फिल्म के कहानी। जी हाँ, लेकिन ये फिल्म में और भी रोमांचक बनावे खातिर खेसारी लाल के साथ ये फिल्म में थोड़ा कॉमेडी भी दिखावल जाए। और एक साथ ही ये फिल्म में दर्शक लोगन के एक्शन, रोमांस और इमोशन के भरपूर मसाला देखने के मिली। तो देखा आपने ये भोजपुरी के टॉप 5 खबरें, जो कि आपके सुपरस्टार की फिल्मों, ड्रामा और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई थी।
अब बात करते हैं हमारे दर्शकों की। हर बार की तरह इस बार भी आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को इतना प्यार और अपना आशीर्वाद दिया है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और इस प्रोग्राम को आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में इतना ही। भोजपुरी के तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया। और अगर जो आपके सुपरस्टार से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई दिल की बात कहनी हो, तो वो भी आप इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो दिल की बात है वो हम आपके सुपरस्टार तक पहुंचा सके। चलिए आज के टॉप 5 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कल आपके सामने फिर से लेकर के आऊंगी भोजपुरी की टॉप 5 खबरें जो कि आपके सुपरस्टार की फिल्म में जीवन और उनकी सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हुई होंगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।